YouTube चैनल एजुकेशन वर्ल्ड माय सेल्फ कोमल। आज हम करेंगे 26th ऑफ अप्रैल के 10 मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपने पिछली वीडियोस देखी होंगी और आप रोज करंट अफेयर्स से अपडेट हो पा रहे हैं। तो आज का हमारा सेशन शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेशनल पंचायती डे। नेशनल पंचायती डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है ऑन 24th अप्रैल, राष्ट्रीय पंचायती दिवस। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि ऑन 24th अप्रैल 1993 में हमारे इंडिया में, हमारे भारत में कौन सी गवर्नमेंट आ गई? लोकल गवर्नमेंट आ गई, मतलब पंचायती राज गवर्नमेंट आ गई। ये आपको सभी को पता होगा कि 73rd अमेंडमेंट 1992 के एक्ट में हमारे संविधान में एक तो 11वीं शेड्यूल ऐड किया गया जिसमें पंचायती राज का जिक्र है, और एक किस कौन से पार्ट में, नाइन्थ पार्ट में, जिसके दिन की शुरुआत और जिसके दिन की याद में हर साल 24 अप्रैल को कौन सा डे मनाया जाता है, नेशनल पंचायती डे। और 11th शेड्यूल जो पंचायती राज की बात करता है उसमें कितने विषय हैं, तो याद रखना उसमें 29 सब्जेक्ट्स हैं। और जो 12th शेड्यूल है जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की बात करता है उसमें कितने शेड्यूल्स हैं, उसमें 18 सब्जेक्ट्स हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालदीव्स बैंस इंडिया आउट कैंपेन। मालदीव्स बैंस इंडिया आउट कैंपेन, यहाँ आउट नहीं आएगा। मालदीव्स ने बैन कर दिया है, कौन सा कैंपेन बैन कर दिया है, इंडिया आउट का कैंपेन। क्या है ये इंडिया आउट? क्यों वहाँ के लोग बोल रहे हैं इंडिया आउट? वहाँ के जो ओपोजिशन पार्टी है, वहाँ के जो ओपोजिशन के लीडर्स हैं, वो बोल रहे हैं कि जितने भी सोल्जर्स लगे हुए हैं हम मालदीव्स में, इंडियंस, उनको हटाया जाए, जिसकी वजह से वहाँ पर एक कैंपेन चल रहा है जिसका नाम है इंडिया आउट। यहाँ पर मालदीव्स पड़ता है और मालदीव्स में ये कैंपेन चल रहा है इंडिया आउट, और जो वहाँ की आज की गवर्नमेंट है उसने इस कैंपेन को बैन कर दिया है और इंडिया इनका कैंपेन लॉन्च हुआ है। और मालदीव्स की राजधानी माले, और मालदीव्स और मिनी कोए को कौन सी डिग्री अलग करती है, तो याद रखना आठ डिग्री अलग करती है। और मालदीव्स और कवरत्ती को, जो लक्षद्वीप की राजधानी है, उसको कौन सी डिग्री अलग करती है, 9th डिग्री। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल मलेरिया डे ऑन 25th अप्रैल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मलेरिया दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, ऑन 25th अप्रैल। सबसे पहले तो ये बताओ कि मलेरिया किससे होता है, तो मलेरिया होता है प्रोटोजोआ से। और किससे, कौन सा ऑर्गेनिज्म बाइट करता है, तो ये करता है प्लाज्मोडियम पैरासाइट। और मलेरिया डे, मलेरिया मुक्त का टारगेट हमने कब तक रखा है, हम मलेरिया मुक्त हो जाएंगे,
2030 तक हम मलेरिया मुक्त हो जाएंगे। और 4 फरवरी को कौन सा डे मनाता है? ये होता है कैंसर दिवस। 24 मार्च टीबी डे, ये दिन याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया फर्स्ट ई वेस्ट क्लिनिक इन भोपाल। इंडिया की पहली ई वेस्ट क्लिनिक जो कहाँ पर ओपन की गई है? भोपाल में। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिकली, जो वेस्ट को इलेक्ट्रॉनिकली डिस्पोज कर देगी। और ये इंडिया की पहली ई वेस्ट क्लिनिक है जो कहाँ पर खोली गई है? भोपाल। भोपाल का है इन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। और मध्य प्रदेश को हम कौन से नाम से जानते हैं? स्लीपिंग स्टेट भी कहा जाता है। हार्ट ऑफ इंडिया भी मध्य प्रदेश को कहा जाता है। और इंडिया, पूरे इंडिया का सबसे स्वच्छ शहर, इंडिया फर्स्ट, इंडिया इंडिया मोस्ट क्लीन सिटी, स्वच्छ से शहर वो कौन सा है? इंदौर। इंदौर भी कहाँ पड़ता है? इन मध्य प्रदेश। और खजुराहो के मंदिर भी कहाँ पर मिलते हैं? इन मध्य प्रदेश। और मैक्सिमम नेशनल पार्क्स भी कहाँ पर हैं? इन मध्य प्रदेश। फॉर एग्जाम्पल, पेंच नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, ये सारी कहाँ पर पड़ती है? मध्य प्रदेश में। और इंदौर ही क्या है? वाटर प्लस सिटी, वाटर प्लस सिटी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस प्रोग्राम बाय कर्नाटका गवर्नमेंट। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि सबसे पहले तो ये बताओ कि सांस सांस का प्रोग्राम क्यों चलाया जाएगा और किससे रिलेटेड है सांस का प्रोग्राम? डिजीज से रिलेटेड है। कौन से डिजीज से रिलेटेड है? निमोनिया से रिलेटेड है। निमोनिया से लड़ने के लिए, निमोनिया को खत्म करने के लिए राज्य में कर्नाटका गवर्नमेंट ने कौन सा प्रोग्राम चलाया है? सांस प्रोग्राम चलाया है। और कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु। और बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी भी कहा जाता है, सिलिकॉन सिटी, बगीचों का शहर भी। और बेंगलुरु में ही किसका हेडक्वार्टर है? इसरो का। और इसरो की स्टैब्लिशमेंट 15 अगस्त 1969 में की गई, और इस समय इसके चेयरमैन है एस सोमनाथ। कौन से नंबर के हैं? 10th नंबर के। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्ली विलेज इन जम्मू कश्मीर बिकेम द कंट्रीज फर्स्ट पंचायत टू बिकेम कार्बन न्यूट्रल फुली पावर्ड बाय सोलर एनर्जी। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और सबसे पहले तो ये बताओ कि हमने कार्बन न्यूट्रल का लक्ष्य कब तक रखा है? हमने कार्बन न्यूट्रल का लक्ष्य रखा है 2070 तक। क्या है इसका मतलब? हम जितना कार्बन का अमिशन करेंगे हम उतना ही उसको रिड्यूस कर देंगे, मतलब बैलेंस करके रखेंगे, न्यूट्रल करके रखेंगे। और इनका ये COP26 में फैसला लिया गया है, और इसी के लिए जो टारगेट्स रखे गए हैं इंडिया में कि कैसे हमने कार्बन न्यूट्रल होना है। और इसी का पहला एक स्टेप है कि पल्ली विलेज की जो पंचायत है वो क्या हो गई है? कार्बन न्यूट्रल हो गई है। मतलब जितनी भी वो पंचायती है किस पर चल रही है? सोलर एनर्जी पर चल रही है। जितनी वो कार्बन रिलीज करेगी उतनी ही उसको रिड्यूस भी कर देगी। और जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर। एस फॉर समर, एस फॉर श्रीनगर। समर की राजधानी श्रीनगर है और विंटर की राजधानी
जम्मू है, और जम्मू में एक फेमस त्योहार मनाया जाता है, क्या नाम है? रोफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारगा फेस्टिवल इन कर्नाटका, कारगा फेस्टिवल कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है इन कर्नाटका? अभी अभी सेलिब्रेट कर रही हैं। और कर्नाटका में एक और फेस्टिवल है कंबाला, कंबाला फेस्टिवल यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। यक्षगान भी कर्नाटका का है। बिहू असम, थाई पूसम तमिलनाडु, बथी कुम्मा तेलंगाना, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मकर विलक्कू केरला, जल्लीकट्टू तमिलनाडु। तो ये कुछ खास हमारे इंडिया के फेमस फेस्टिवल्स हैं। इंडिया फर्स्ट डिजिटल बस सर्विस इन इंडिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडिया की पहली डिजिटल बस सर्विस, मतलब जितने भी अगर कोई लोग पैसेंजर वहाँ पर आया है बस में सफ़र करने के लिए आया है, तो अपना वो किराया कैसे देगा? डिजिटल देगा। और ये इंडिया की पहली बस है जो ऐसा काम करने वाली है। और कहाँ पर ये शुरुआत की गई है? मुंबई। तो मुंबई कहाँ है? इन महाराष्ट्र। और मुंबई कौन सी आइलैंड पर है? सेशल्स आइलैंड। और मुंबई को भी कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया, और फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग प्रभा प्रोग्राम बाय सिविल एविएशन मिनिस्ट्री। ये क्वेश्चन थोड़ा का आपको कंफ्यूज करने वाला है, और कोई भी बच्चा होगा ना अगर पूछेगा भी योग प्रभा प्रोग्राम किसने शुरुआत किया है, सबसे पहले उसके दिमाग में आएगा या तो आयुष मिनिस्ट्री या तो हमारी संस्कृत मिनिस्ट्री पर। लेकिन ये शुरुआत किया गया है सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के द्वारा। और योग प्रभा प्रोग्राम में यही है कि टू मेंटेन योर बॉडी फुली। आइदर वो क्या है, फिजिकली भी, मेंटली और इमोशनली, अपनी बॉडी को मेंटेन कर कर रखना और हेल्थ को स्ट्रोंग रखना। ये किसने शुरुआत किया है? सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के द्वारा शुरुआत की गई है। और अभी अभी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने एक प्रोग्राम चलाया, उसका क्या नाम है? विंग्स इंडिया। और ये कहाँ पर चलाया था उन्होंने? ये चलाया था हैदराबाद। हैदराबाद कहाँ पर है? तेलंगाना। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मास्टर कार्ड पैक्ड विद नेक्सो कंपनी फॉर क्रिप्टो करेंसी। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मास्टर कार्ड ने किसकी कंपनी के साथ पैक्ट किया है, नेक्सो कंपनी के साथ पैक्ट किया है, फॉर किसके लिए? क्रिप्टो करेंसी, मतलब फॉर डिजिटल पेमेंट्स के लिए। लेन देन किस में करेंगे? क्रिप्टो करेंसी में करेंगे। और हु इज द फाउंडर ऑफ क्रिप्टो करेंसी? नागामोटो, ही इज फ्रॉम जापान। जापान के रहने वाले थे नागामोटो, उसने ही फाउंड की थी क्रिप्टो करेंसी। और अभी अभी गवर्नमेंट ने कितना टैक्स लगाने की घोषणा किया है, बजट में 30% का टैक्स लगेगा। कहाँ पर लगेगा? क्रिप्टो करेंसी पर। तो आज का हमारा सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आई होप आई
वीडियो पसंद आई होगी। बाय बाय।